हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह का हैंगिंग बनाने की मेथड को शेयर करने जा रही हूँ। आप ये किसी भी तरह के कलर से बना सकते हो, सिंगल कलर में भी बना सकते हो या टू कलर्स में भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। हमें चाहिए कोई भी टू कलर्स के ऊल और मोतियाँ या फिर कैप्स इस तरह के, या फिर गोल्ड कलर की मोतियाँ, कुछ भी आपके पास जो भी पड़ा हो आप ले सकते हो। एक पुराना चूड़ी, नीडल चाहिए, फैब्रिक ग्लू चाहिए हमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने येलो कलर का ऊल काटा है। इस ये करीब 2 मीटर है। इसे अब हम देखिए इस तरह से ले लेंगे। इसे पूरी चूड़ी में लपेट लेंगे हम। देखिए हम एंड तक पहुंच गए हैं। अब दूसरे कलर के ऊन को हमने नीडल में ले लिया है। ये करीब 1 मीटर है। अब हम इस तरह से एक जगह गांठ दे देंगे। देखिए हमारे ऊल को मैंने इस तरह से लिया है, बैंगल के नीचे की तरफ से यहाँ पर, और सूई को हम इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से लेंगे। फिर वापस इसी तरह से करेंगे। देखिए नीचे की तरफ से ऊपर, इस तरह से ऊपर की तरफ से बाहर आएगा। देखिए एक और बार दिखा देती हूँ। हमें पूरे रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है और ये डिस्टेंस हमें देखना है कि ये इक्वल हो। पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। कि फर्स्ट रो के इस लास्ट स्टेप पे हम सूई को यहाँ फर्स्ट वाले के अंदर से ले लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड रो के लिए देखिए सूई को हमारा वाइट देखिए यहाँ पर है। तो हम नेक्स्ट इस ऊन के नीचे की तरफ सुई को ऊपर लाएंगे। हमें टाइट पकड़ना है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे की तरफ से ऊपर को लाना है सुई को, इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे की तरफ से ऊपर को लाएंगे, इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करना है। सेकेंड रो हमारा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर है हमारा ऊन। देखिए नेक्स्ट हम सुई को यहाँ इस ट्रायंगल के इस ऊन से नीचे की तरफ से ऊपर को लाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ इस ट्रायंगल के पास बिल्कुल टाइट खींचना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर नेक्स्ट इस ट्रायंगल तो इसी तरह से पूरे रो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये रो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से हम ट्रायंगल्स के अंदर से हम उनको नीचे की तरफ से सुई को ऊपर को लाना है, और इसी तरह से पूरे राउंड राउंड में इसी तरह से हमें करना है। देखिए एक ही मेथड फॉलो करते हुए हमने पूरे रोज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ बीच तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर एक बीट ले लेंगे। यहाँ पर बीच में गांठ दे देंगे। और उनको काट लेंगे। देखिए अब हम इस तरह का टसल बना लेंगे। इसके लिए देखिए मैंने तीन उंगलियों पे उनको इस तरह से लपेटा है। ये करीब मैंने 25 बार लपेटा है। कि टसल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक कैप लेंगे और एक वाइट बीड और एक गोल्ड कलर का बीड, फिर एक वाइट बीड ले लेंगे और इसे हम यहाँ पर टाई कर देंगे। यहाँ पर हम गांठ दे देंगे। हम यहाँ पर गांठ देकर काट चुके हैं। यहाँ पर भी हम गांठ देख के एक्स्ट्रा उनको हम काट लेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा हैंगिंग रेडी हो गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।